हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे इंडियन पॉलिटी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन यानी भारतीय संविधान की प्रस्तावना। ये वीडियो प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की पार्ट थ्री वीडियो है। पार्ट वन और टू में हमने देखा था कि प्रीएम्बल क्या होता है, उसके मेन कॉम्पोनेंट्स क्या क्या हैं ये देखा, और साथ ही साथ सोवरेनिटी, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक, इन तीनों टर्म्स को डिटेल में डिस्कस किया। अब बात करते हैं दो और टर्म्स की, सोशलिस्ट और सेक्युलर, जिन्हें 1976 में 42nd अमेंडमेंट द्वारा प्रीएम्बल में ऐड किया गया था। हम यहाँ पर दो चीज़ें डिस्कस करेंगे, पहला ये कि सोशलिस्ट और सेक्युलर का मतलब क्या है, और दूसरा ये कि ऐसी क्या ज़रूरत आन पड़ी थी कि इन्हें 42nd अमेंडमेंट के ज़रिए प्रीएम्बल में ऐड करना पड़ा। तो एक्चुअली मॉडर्न सोसाइटीज़ में मेनली दो तरह के इकोनॉमिक सिस्टम्स होते हैं, एक कैपिटलिस्ट और दूसरा सोशलिस्ट। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में कंपनीज़ या फैक्ट्रीज़ की ओनरशिप प्राइवेट इंडिविजुअल्स के हाथ में होती है। क्या प्रोड्यूस करना है, कितना प्रोड्यूस करना है, ये कंपनीज़ के ओनर डिसाइड करते हैं, और इतना ही नहीं अपने प्रोडक्ट्स को किस भाव पर बेचना है ये भी कंपनीज़ के मालिक खुद ही तय करते हैं। कहने का मतलब इन सब मामलों में सरकार का हस्तक्षेप ना के बराबर है, कोई इंटरफेरेंस यहाँ पर नहीं होता है। अब ऐसे में क्या होता है कि सभी कंपनीज़ आपस में कॉम्पीट करती हैं, और जो भी कंपनी ज़्यादा अच्छा प्रोडक्ट बेटर प्राइस में देती है लोग उसको पसंद करते हैं। इस तरह कुछ कंपनीज़ ज़्यादा तेज़ी से प्रॉस्पर करती हैं, जल्दी ग्रो करती हैं, जबकि कुछ पर ताले लगने की नौबत आ जाती है। इसीलिए कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को मार्केट ड्रिवन इकोनॉमी भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर डिमांड और सप्लाई खुद ब खुद इकोनॉमी को रेगुलेट करते हैं, गवर्नमेंट को इंटरवीन नहीं करना पड़ता। बट इस कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में एक दिक्कत है जिसे हम एक एग्जांपल से समझेंगे। मान लो एक जगह पर पांच लोग रहते हैं, इन पांच में चार लोगों को ब्लू कलर की कैप पसंद है, लेकिन इसे ब्लू नहीं लाल रंग की टोपी पसंद है। आपको तो पता है कि पूरी इकोनॉमी डिमांड एंड सप्लाई के फंडे पर चलती है, और यहाँ पर डिमांड जो है वो ब्लू कैप की ज़्यादा है। तो होगा क्या कि सभी कंपनियाँ ब्लू कलर की कैप बनाएंगी, रेड नहीं, क्योंकि रेड की डिमांड बहुत ही ज़्यादा कम है। इसका मतलब इस सोसाइटी में इसकी ज़रूरत पूरी करने वाला कोई नहीं है। इसीलिए सोशलिस्ट इकोनॉमी का कंसेप्ट पिक्चर में आया। यहाँ पर गवर्नमेंट ने पूरा का पूरा प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन अपने हाथ में ले लिया। सोशलिस्ट इकोनॉमी में गवर्नमेंट की प्लानिंग टीम्स चेक करती हैं कि फैक्ट्रीज़ की प्रोडक्शन कैपेसिटी क्या है, साथ ही साथ गवर्नमेंट अपने सर्वेज के थ्रू ये भी चेक करती है कि लोगों की नीड्स क्या हैं, उनको क्या चाहिए, उनके कंसर्न्स क्या क्या हैं। इसके साथ साथ गवर्नमेंट कंज्यूमर के स्पेंडिंग डेटा को भी एनालाइज करती है, यानी लोग किन चीज़ों पर ज़्यादा खर्च करते हैं वगैरह वगैरह, और इन सब डेटास के बेस पर गवर्नमेंट ये तय करती है कि फैक्ट्रीज़ में कितना माल प्रोड्यूस होना चाहिए, यानी गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि प्रोडक्शन के टारगेट्स क्या होने चाहिए, और समय समय पर इन टारगेट्स को रिवाइज भी किया जाता है करेक्टिव फीडबैक्स के ज़रिए। सोशलिस्ट इकोनॉमी में चीज़ों का प्राइस क्या होगा ये भी गवर्नमेंट ही डिसाइड करती है। यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट हर चीज़ के लिए प्लान करती है ताकि सोसाइटी में सबकी ज़रूरतों को पूरा किया जा सके, और इतना ही नहीं सरप्लस या प्रॉफिट्स इक्वली सब में बढ़ जाता है, यानी यहाँ पर किसी एक का फ़ायदा नहीं है, सबके फ़ायदे के बारे में सोचा जाता है। एक दिक्कत है क्योंकि गवर्नमेंट में बैठे चंद लोग, 150 लोग, ये अकेले कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि उसकी 100 करोड़ की जनता को क्या चाहिए, कब चाहिए, कितना चाहिए, यानी इन सब में गलतियाँ होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, राइट? इन दोनों टर्म्स को हमने डिटेल में समझा, और साथ ही साथ ये भी देखा कि इनमें क्या क्या कमियां हैं और क्या क्या बेनिफिट्स हैं। ये जो सोशलिज्म की डेफिनेशन हमने देखी, ये बेसिकली मार्क्सिस्ट सोशलिज्म या कहें कि सोवियत सोशलिज्म की डेफिनेशन है। इसी तरह सोशलिज्म को लेकर गांधी जी के भी अपने विचार थे, जो कि मार्क्सिस्ट विचारों से काफ़ी अलग थे। गांधी जी बात करते थे गाँवों को सेल्फ सफिशिएंट रिपब्लिक बनाने के बारे में, जहाँ पर हर गांव इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली सेल्फ डिपेंडेंट होंगे। गांधी जी की इसी फिलॉसफी ऑफ सोशल ऑर्गेनाइजेशन को गांधीयन सोशलिज्म कहा जाता है। अब अगर बात करें इंडियन इकोनॉमी की, तो इंडियन इकोनॉमी ना तो कैपिटलिस्ट है और ना ही कम्प्लीटली सोशलिस्ट। इंडिया एक मिक्स्ड इकोनॉमी है, यानी हमारे यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर भी है और पब्लिक सेक्टर भी। प्राइवेट सेक्टर वो जहाँ पर ओनरशिप प्राइवेट इंडिविजुअल्स के हाथ में होती है, और पब्लिक सेक्टर वो जहाँ पे ओनरशिप पूरी तरह से गवर्नमेंट के पास होती है। ये दोनों ही सेक्टर्स इंडिया में साथ साथ कोएग्जिस्ट करते हैं। अब बात आती है कि इंडियन सोशलिज्म मार्क्सिस्ट सोशलिज्म है या फिर गांधीयन। तो इसका आंसर सुप्रीम कोर्ट ने 1983 के अपने एक लैंडमार्क जजमेंट के थ्रू दिया था।
सुप्रीम कोर्ट ने 1983 में डीएस नकारा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में अपने लैंडमार्क जजमेंट में कहा था कि इंडियन सोशलिज्म बेसिकली मार्क्सिस्ट सोशलिज्म और गांधीयन सोशलिज्म का परफेक्ट ब्लेंड है, जिसमें कि झुकाव जो है वो ज़्यादातर गांधीयन सोशलिज्म की तरफ है। तो कुल मिलाकर बात ये है कि हमारे यहाँ पर मिक्स्ड इकोनॉमी है और हमारा इंडियन सोशलिज्म भी बाकी देशों के सोशलिज्म से काफ़ी अलग है। हमारे सोशलिज्म मार्क्सिस्ट और गांधीयन सोशलिज्म का मिक्स है, जिसमें गांधीयन सोशलिज्म की तरफ झुकाव ज़्यादा है। इसीलिए हमारे देश के सोशलिज्म को एक नई टर्म से जाना जाता है, जिसका नाम है डेमोक्रेटिक सोशलिज्म। डेमोक्रेटिक सोशलिज्म का एम है पॉवर्टी, इग्नोरेंस, डिजीज़ और इनइक्वालिटी को ख़त्म करना। अब बात करते हैं दूसरी टर्म की, जो है सेक्युलरिज्म। आपने कभी ध्यान दिया कि हमारे आसपास जो 7 पड़ोसी देश हैं, उनमें से 5 देशों का एक स्टेट रिलीजन है, जैसे कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान का स्टेट रिलीजन है इस्लाम। ये तीनों इस्लामिक स्टेट हैं। इसी तरह भूटान और श्रीलंका का भी स्टेट रिलीजन है। इन दोनों कंट्रीज़ का स्टेट रिलीजन है बुद्धिज़्म, यानी ये दोनों बुद्धिस्ट स्टेट्स हैं। और अगर बात करें नेपाल की, तो ये भी 2007 तक एक हिंदू स्टेट था। हालांकि आज की डेट में नेपाल का कोई स्टेट रिलीजन नहीं है, सबको अपना रिलीजन प्रैक्टिस करने की आज़ादी है। नेपाल की सरकार सभी धर्मों को फॉलो करने वालों को इक्वल अपॉर्चुनिटीज देती है। इसी तरह इंडिया का भी कोई स्टेट रिलीजन नहीं है, सबको अपना रिलीजन प्रैक्टिस करने की आज़ादी है। भारत सरकार सभी धर्मों को फॉलो करने वालों को इक्वल अपॉर्चुनिटीज देती है और धर्म के बेस पर किसी भी तरह का कोई भी भेदभाव नहीं किया जाता है। बेसिकली एक देश का रिलीजन को लेकर क्या नज़रिया है, इसके बेस पर उस पर्टिकुलर स्टेट को 3 टाइप्स में डिवाइड किया जा सकता है, एथिस्ट स्टेट, थियोक्रेटिक स्टेट और सेक्युलर स्टेट। थियोक्रेटिक स्टेट्स वो स्टेट्स हैं जहाँ किसी एक धर्म को स्टेट रिलीजन घोषित कर दिया गया है, हमने इनके एग्जांपल्स ऑलरेडी देखे हैं। सेक्युलर स्टेट्स हम उन स्टेट्स को कहते हैं जहाँ किसी भी धर्म को स्टेट रिलीजन घोषित नहीं किया गया है और जहाँ सबको अपना रिलीजन प्रैक्टिस करने की पूरी आज़ादी है। अब बच गया एथिस्टिक स्टेट। एथिस्टिक स्टेट वो होते हैं जहाँ किसी भी तरह की रिलीजियस एक्टिविटीज़ को अलाउ नहीं किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल नॉर्थ कोरिया, यहाँ पर अगर आप इस्लाम, क्रिश्चियनिटी और हिंदुइज्म या फिर कोई भी रिलीजियस एक्टिविटी करते हुए पकड़े गए तो गवर्नमेंट आपको पनिश करती है। तो हमने अब तक जो है सेक्युलर और सोशलिस्ट, इन दोनों टर्म्स को कवर कर लिया है। बट अभी ये जानना बाकी है कि इन दोनों टर्म्स को अमेंडमेंट के थ्रू प्रीएम्बल में क्यों ऐड करना पड़ गया। तो बात ये है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4 में आपको DPSP यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी देखने को मिलता है। ये DPSP हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को सोशलिस्ट नेचर प्रदान करता है। इसी तरह हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 25 से आर्टिकल 28 में फंडामेंटल राइट्स देख सकते हैं। ये फंडामेंटल राइट्स जो हैं, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को सेक्युलर नेचर प्रदान करता है, यानी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि हम एक सेक्युलर और सोशलिस्ट देश हैं। लेकिन ये बात प्रीएम्बल में मिसिंग थी, तो 1976 में 42nd अमेंडमेंट के द्वारा इन दोनों वर्ड्स को प्रीएम्बल में ऐड कर दिया गया। तो ये था प्रीएम्बल वीडियो का पार्ट 3 वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम प्रीएम्बल को कम्प्लीटली कवर कर देंगे और प्रीएम्बल का कम्प्लीट टॉपिक ख़त्म होने के बाद इस टॉपिक का माइंड मैप आप टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा आप booksava.com वेबसाइट भी चेक कर सकते हैं। booksava चैनल पर हिस्ट्री और पॉलिटी के बहुत सारे टॉपिक्स पर वीडियोस अवेलेबल हैं, आप उनको भी चेक कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और ऐसी ही और वीडियोस को देखते रहने के लिए booksava चैनल को सब्सक्राइब कर देना। फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग booksava।